हराम का खा खा कर और शराब पी पी कर गैंडा बन गया है तू। डिस्क्लेमर, भूखल लोग इस वीडियो से दूर रहे, धन्यवाद। आज मैं बात करूंगा हमारे इंडिया के सुअर लोग के बारे में। ये सुअर लोग कितना भी खाए भूखा ही रहते हैं। इन्हें देखने के बाद आप लोग कि इंडिया का आधा खाना यही लोग खा जाते हैं। ये लोग का एक सरदार भी है जिसे ये लोग खाने का इंस्पिरेशन लेते हैं, चिकन लेग पीस। ये टकला सेट मोटा पेट, ये लोग 50 आदमी का खाना अकेले ठूस जाते हैं और उसे ईटिंग चैलेंज बोलते हैं। तो आज हम लोग गरीबों का खाने का हक का बदला लेंगे और इन्हें बचाएंगे और लैस लेंगे। सो लैस ब्रो। उससे पहले सस्ता वाला इंट्रो। चलो। हाय फैमिली, आज का हमारा स्पेशल खाना अभी ये है, केप्सा राइस भाई ले लो। टकला, ये आज का खाना नहीं है, ये एक हफ्ते का खाना है। और टकले पिछले जन्म में राक्षस था क्या? और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डायनासोर खत्म हुआ है ये कोई एस्ट्रोनॉट या हल्का पिंड गिनने से नहीं हुआ, ये साले लोग खा खा के खत्म कर दिए। ये लोग बस चले तो पूरा पृथ्वी को खा जाए। और साले हाय फैमिली मत बोला कर, हम तुम्हारा कोई फैमिली वैमिली नहीं है, तुम्हारे जैसे भूखड़ नहीं है मेरा फैमिली। यू आर राइट ब्रो। टकला, माय चैलेंज इट खली का इंजेक्शन एक्सेप्ट कर अभी का अभी। और सुन ले, तेरा हिसाब तो नर्क में किया जाएगा तुम्हारा गांड मार के। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यही लोगों के वजह से जानवर खत्म हो रहा है। और ये लोग भेज खा के भी चैलेंज कर सकते हैं, बट ये लोग भेज नहीं खाएंगे क्योंकि राक्षस कुल से बिलोंग करते हैं ये लोग। ये लोग का बस चले तो ये लोग जिंदा इंसान को मार के खा जाए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मरेगा ये टकला एक दिन, इसका गला में हड्डी फंस। और टकले टेंशन मत ले, तेरा हिसाब तो नर्क में जरूर होगा। यमदूत का भैंस तेरा टकला फ्राई करके खाएगा और ये तेरा 50 किलो लोहा भी लेके जाएगा। और मैंने सुना था पहले के राजा महाराजा लोग अपने दुश्मन से लोहा लिया करते थे, बट इसका गला देख के मेरे को लग रहा है कि पूरा लोहा इसी ने लिया है। और ये गजनी कहीं आपको रोड में दिखे तो इसे भंगार में ले जाके बेच देना लोहे के साथ। एक खत्म नहीं हुआ चूतिए। चैलेंज है 8 kg बकरा। देख रहे हो ये लोग का ये राक्षस वाला रूप, और भगवान करे ये बकरा जिंदा हो जाए और तुम लोग का गांड मार ले। और तुम दोनों से रिक्वेस्ट है, कोरोना और ओमिक्रॉन को खा जाओ प्लीज, बाकी मैं सरकार से गांड फाड़ चैलेंज एक्सेप्ट का अवार्ड दिलवा दूंगा। और तुम दोनों डुक करो, कभी अपना हेल्थ के बारे सोचे हो, अभी से इतना खाओगे ना तो फ्यूचर में जाकर बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है? अभी इतना से खाना बंद करो, भेज भी खा लिया करो कभी कभी। सही पकड़े हैं। तुम दोनों पिछले दिन में भूखे मरे थे क्या भाई लोग? एक तो कोरोना का रोग, ऊपर से ये चुतिया लोग। तुम दोनों का आइडिया भी है, तुम लोग खा खा के न्यूक्लियर बम बन चुके हो। गलती से अगर इंडिया में फट गया ना तो आधा इंडिया सपाट हो जाएगा। तो खुद के लिए नहीं सही तो हमारे लिए कम से कम सोचो। तो आप प्लीज ऐसा मत करिए, कहीं और जाके अपनी गांड मराइए। तुम दोनों सिर्फ खाने के लिए ही पैदा हुए हो क्या? और पब्लिक अपना बाल बच्चा को बचा के रखना ही, राक्षसों से गलती से नजर पड़ गया तो सपाट कर देंगे ये लोग। चुप कर बे कुत्ते। अरे यार इतना कौन खाता है? कभी तुम लोग हकते हो तो अपना संडास का क्वांटिटी देखते हो, एक हाथी उतना हकते हो गए। गाइस आज मैं 100 मोमो चैलेंज करने वाली हूँ। बहन मेरी बस करो, आप लोगों का ये तांडव देख के मन कर रहा अंग्रेज लोगों को फिर से वापस बुला लो इंडिया। हमें आजादी मिला था कि हम लोग फ्यूचर में कुछ अच्छा करेंगे, नाम रोशन करेंगे इंडिया का, बट ये नहीं पता था कि ये लोग इतना खाएंगे और हाथी जैसा हगेंगे। और बहन आप लोगों का तांडव देख के मुर्गी भी अंडा देना बंद कर दिए, तो प्लीज थोड़ा मुर्गी पे भी तरस खा लो। यू आर राइट ब्रो। आज मैं खाने वाली हूं बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग फूड, अमेजिंग चैलेंज। तो आज है 30 एग्स एंड लॉट्स ऑफ पूरी। बहन तुझे गरीबों पर दया नहीं आता है क्या? इंडिया में कितना गरीबी है पता भी है? बहन तुम अकेले 50 आदमी का खाना खा जा रहे हो और इसे बोलती हो ईटिंग चैलेंज। बहन मेरी इसे ईटिंग चैलेंज मत बोलो, इसको बोलो इतना ठूसिंग कि तुम कंफ्यूज हो जाएंगे। और सालों तुम लोग वीडियो देखते हो और साइड से निकल जाते हो, ऐसा नहीं चलेगा। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना पड़ेगा। और थैंक यू सो मच गाइस, पिछले वीडियो में इतने प्यार दिखाने के लिए। मन कर रहा है खुशी का मारे चपाकल में कूद के जान दे दूं, बट आप लोगों का प्यार मुझे मरने नहीं देगा, मेरे को पता है। तो फिर बस गाइस आज का गुरु ज्ञान यही बंद करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और अपना फैमिली का भी ख्याल रखना, बाय। और जाते जाते बोलूंगा ये लोगों का देख के तुम लोग ठुसने मत लग जाना, ये लोगों का इतना इंसान हो इंसान जैसा रहो।